मैंने आपका नंबर शादी.com से कलेक्ट किया है। ओके हाँ, तो आपने अप्लाई किया था ना शादी.com के लिए। तो क्या मैं आपको पूरा नाम जान सकता हूँ? तो हाय दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं एक नए व्लॉग बोल सकते हो, प्रैंक बोल सकते हो। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम एक अपने फ्रेंड को फोन लगाएंगे और उसको अप्रोच करेंगे कि शादी.com से हम लोग बात कर रहे हैं, आपने रिश्ता देखा था। तो जब वो लड़का उस लड़की से बात करेगा तो उसका रिएक्शन क्या आएगा, देखते हैं। हमको कुछ नहीं मालूम और ये जो हो रहा है जेन्युइन हो रहा है और एकदम रियल हो रहा है। तो हम लोग की फ्रेंड है, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड है हम लोगों की। तो क्या लगता है, क्या रिएक्शन आएगा उसका? मेरे को लगता है वो थोड़ी फंसेगी, उसको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आता है कोई शादी का। तो लेट्स सी कैसे रिएक्ट करती। तो हमको खुद को मालूम नहीं क्या रिएक्शन आएगा, तो फोन लगा के देखते। नंबर नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, भाई आप नंबर खुद टाइप करो उसका, मेरे पास नंबर नहीं है उसका। है का तो हाँ, नंबर टाइप करो। और ये भी हमको नहीं मालूम कि वो फोन अटेंड करेगी नहीं अटेंड करेगी, लेकिन फिर भी, और पता चला वो किसी के साथ रहेगा तो फिर ब्रेकअप कुछ भी हो सकता है। लेट्स सी, डालो नंबर। बाकी ऐसे ही हम लोग ने सोचा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस फेसबुक पे भी देखे होंगे हम लोग ने, फेसबुक पे डालते रहते हैं कुछ भी करके। तो अभी इसको कॉल लगा रहे, स्पीकर पे डाले, दो तीन बार कॉल करो, वो किसी और से बात कर रहे। और अगर ट्रू कॉलर पे मेरा नाम दिख गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हेलो, मैंने आपका नंबर शादी.com से कलेक्ट किया है। हाँ, तो आपने अप्लाई किया था ना शादी.com के लिए। तो क्या मैं आपको पूरा नाम जान सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हो, शादी डॉट कॉम से बोल रहे हो? नहीं, मैं, मेरी मेरी एक प्रोफाइल है वहाँ पे, प्रतीक पुजारी करके। मेरा नाम प्रतीक, प्रतीक पुजारी। एक्चुअली वो मेरे मॉम ने किया था, बट वो भी एक्टिव नहीं है शादी.com। अच्छा, तो ठीक है, कोई कोई बात नहीं। क्या हम बात कर सकते हैं अगर आप, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो? नहीं, फिलहाल तो नहीं। अच्छा ठीक है, एक सिर्फ मेरे को एक बात ये बता सकते हो आप? क्या? आप बेसिकली थाने से हो या कहाँ से हो, क्योंकि आपके प्रोफाइल में थाने लिखा था। हाँ, थाने से ही हूँ। अच्छा, मैं ठीक है, आप बात करो या मत करो, लेकिन मैं सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ आपको कि आपकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी, तो इस वजह से मैंने उसको अप्रोच किया था। और देखो, आपको अगर बिलीव हो या ना हो, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने सोचा कि फ़ोन कर लेता हूँ। बाकी आपके ऊपर है सर। नहीं, वो मम्मी का नंबर था, लेकिन हमने सोर्स से पता लगाया वहाँ पे गए, मतलब हम गए थे खुद, तो हमने जब खुद गए तो फिर वहाँ से पता लगा, तो फिर हमने सोचा क्यों ना आपको डायरेक्ट कॉल कर लिया जाए। पहले मैंने सोचा था कि आपके मॉम को फ़ोन करता हूँ, लेकिन फिर मैं बोला कि पता नहीं आपसे बात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। फिर हमने प्रतीक पुजारी। अच्छा सुनिए ना, आप मतलब और क्या करते हो? मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला थी आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो आप और पूछ लो। देखो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो पता है मुझे, लेकिन अगर आप बताओगे तो भी। और हाँ, एक चीज मुझे ये भी कहना था आपसे कि आप रिसेंटली कहीं पे विजिट किया था क्या आपने, पुणे उने साइड? जी नहीं। अच्छा, नहीं गया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा सिमिलर आपके जैसे मैंने किसी लड़की को वहाँ पे देखा था, तो मैंने सोचा कि मैं जाके पहले बात करूँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि ये सही रहेगा नहीं रहेगा, तो फिर इसलिए मैंने बात नहीं की। अच्छा सुनो ना, एक एक मेरे भाई से बात करोगे क्या? हाँ एक मिनट। हेलो पवन। ट्रू कॉलर पे दिखा कहाँ पे दिखा? नहीं, मेरा ट्रू कॉलर है ही नहीं। तो फिर कैसे मालूम पड़ा? अरे बिल्कुल पूरा, मतलब मेरे को ना ऐसा आवाज सुना हुआ लग रहा था, मैं रिकलेक्ट, और ना तू, मेरे को यार इस पवन ऐसा बोल रहा, अरे सुनो ना। अच्छा मुझे थोड़ा ऐसे लगा, कितना नोटिस किया, स्माइल कर रही थी। ओके बस, अच्छा सुनना, ठीक है, मेरे भाई से तो बात कर, एक बार भाई से बात कर। यारे यारे